इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिले इस्लामी में बी ऑनस मास मीडिया का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं इस वीडियो में बी ऑन मास मीडिया का 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था एम के साथ साथ इसके सॉल्यूशन बताए जाएंगे यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको रिमाइंड कर दूँ कि एक तो सबसे पहले कि जो भी बी एनर्स मास मीडिया का लास्ट पाँच से छः साल का जो पूछा गया है उसका पूरा सोल्यूशन इस यूट्यूब चैनल में अपलोड करा जाएगा दूसरा ये कि अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको यह दिख रहा होगा पार्ट uh, ए और बी थर्टी एट और एग्जामिनेशन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू इन दोनों का मतलब एक ये तो अब समझ रहे हैं कि ट्वेंटी वन का पेपर है ये लेकिन इसको समझने के लिए बी थर्टी एट अगर आप जामे के वेबसाइट पर जाकर इसके गाइड देखेंगे तो बी थर्टी एट का मतलब जामिया मिल् इस्लामिक के अकॉर्डिंग बी ए मा ऑन बे मास मीडिया है अब यहाँ पे बी और ऑनर्स मीडिया में क्या होता है कि दो सेट मतलब पेपर जो होते हैं वो दो पार्ट में होते हैं एक पार्ट में 40 एम सी रहते हैं और साथ ही दूसरा पार्ट में आपके 60 मार्क्स का थ्योरी पूछा जाता है लेकिन सेम डे ही ऐसा नहीं कि दोनों के अलग अलग एग्जाम नहीं होता है एक एक ही बार एग्जाम होंगे आपके क्वेश्चन पेपर ऐसा रहेगा फोर्टी मार्क्स का एम रहेगा और सिक्सटी मार्क्स का थ्योरी रहेगा अब आते हैं अभी जो है क्योंकि आपका एम सी क्यू वाला है तो एम सी क्यू वाला जो है हम इस वीडियो में सोल्व करा देंगे बाद बाकी है कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं खासकर बी ऑनर्स मास मीडिया के लिए हमारे पास जो भी फैकल्टीज हैं वो जामे के मास मीडिया के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे फैकल्टी भी वहीं के हैं इसके साथ ही अगर आप चाहें ज्वाइन करने के लिए बी ऑनर्स मास मीडिया में तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मैंसन है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर पर फर्स्ट पर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये कह रहा है महात्मा गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है सो ऑप्शन ए का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए दैट इज राजघाट अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कह रहे खालसा पंथ इज की स्थापना किसने की थी क्वेश्चन uh, टू का आंसर जो होगा वो गुरु गोविंद सिंह यानी ऑप्शन बी एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ट्वेंटी फर्स्ट जून होगा यानी कि बी जो है थर्ड का वो करेक्ट आंसर है अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे फोर हमारा ये कह रहा है स्वेतंबर एंड दिगाम्बर किस धर्म के संप्रदाय हैं फोर्थ का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी दैट इज जैन एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं गौतम बुद्ध का बचपन किस बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध का तो इसका तो आप जानते होंगे फाइव का जो करेक्ट आंसर सिद्धार्थ दैट इज फाइव का बी एंड अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स पे हमारा सिक्स क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है लोकसभा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए सिक्स का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दैट इज़ मिनिमम ट्वेंटी फाइव ईयर और यहाँ पे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आ, आपके प्रेसिडेंट के लिए यानी प्रेसिडेंट का मिनिमम एज लिमिट कितना है एज लिमिट मिनिमम कितना होना चाहिए गवर्नर का कितना होना चाहिए आपको कमेंट में बताना है अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राम की माता का नाम क्या था सेवन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो दैट इज कौशल्या अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर कह रहे विश्व की सबसे ऊँची चोटी है इनमें से कौन है एट का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दैट इज एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी में से ना जाना जाता है अगला क्वेश्चन है विश्व के सबसे लंबी नदी का नाम क्या है नाइन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है दैट इज़ नील नदी है नील रिवर अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे इसमें से तो टेन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है दैट इज़ मौलाना अबुल कलाम आजाद अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मुद्रा का नियामक और जारीकर्ता कौन है एलेवन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दैट इज भारतीय रिजर्व बैंक एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे करें रामचरित्र मानस के रचयिता कौन है ट्वेल्व इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी दैट इज तुलसीदास अगला क्वेश्चन सिकंदर कहाँ का शासक था सो so, थर्टीन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है दैट इज अहमद दुनिया एंड अब आते हैं अगला क्वेश्चन कर है रेडियो का आविष्कारक कौन है इसमें से फोर्टीन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दैट इज मार्कोनी एंड अगला क्वेश्चन है हमारा कह रहे भारतीय संविधान कब लागू हुआ था फिफ्टीन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी दैट इज ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे करें जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था सिक्सटीन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा दैट इज लाल बहादुर शास्त्री अगला क्वेश्चन है हम आपको टाइम भी अब देंगे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है सेवनटीन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी दैट इज राष्ट्रपति अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर करें हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है ओबियसली इसको जानते होंगे सो so इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी दैट इज मेजर ध्यानचंद अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं कह करें फ्लाइंग सिख नाम से कौन प्रसिद्ध है नाइनटीन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दैट इज मिल्खा सिंह अनाब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे कह पर करें टेनिस में लव का क्या मतलब होता है सो so 20 का करेक्ट आंसर स्कोर यानी स्कोर शून्य है इसका मतलब होता है लव का मतलब अनाब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे पर कर ट्वेंटी वन एलोरा की गुफाएँ कहाँ स्थित है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है दैट इज औरंगाबाद और अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे कह पर करें सितार के आविष्कारक कौन है इसमें से ट्वेंटी टू का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दैट इज अमीर खुशरू अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी थिएटर कहाँ स्थित है पृथ्वी थिएटर ट्वेंटी थ्री का जो करेक्ट आंसर वो मुंबई में है अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कर बांग्लादेश की मुद्रा क्या है इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका टक्का है यानी कि ट्वेंटी फोर का करेक्ट आंसर शी है अब आते हैं ट्वेंटी फाइव पर कर ग्रेमी पुरस्कार कला किस विधा के लिए दिया जाता है ट्वेंटी फाइव का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए दैट इज पाश पाश्चात्य संगीत एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे ट्वेंटी सिक्स ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न नहीं मिला है ट्वेंटी सिक्स का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दैट इज मोहम्मद रफ़ी अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कह रहे हैं विश्व की पहली विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी विश्व की पूछा जा रहा है सो so, ट्वेंटी सेवन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी दैट इज एस भंडार नायक अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे ट्वेंटी एट कह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है इसमें से तो ऑब्वियसली इस ट्वेंटी एट का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा दैट इज ऑस्ट्रेलिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ये महाद्वीप है श्रीलंका कोई महाद्वीप में नहीं आता है हाँ महाद्वीप के अंदर में जरूर है इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहे हैं सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है पक्षी ट्वेंटी नाइन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है दैट इज शुतरमुर्ग और अब आते हैं अगले है, सुराछीत, हम अगले क्वेश्चन पे कह रहे हैं मैं सुरक्षित हम सुरक्षित भारत सुरक्षित किसकी टैग लाइन है थर्टी का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आरोग्य सेतु एन अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्निखित इसमें से कौन सा न्यूज़ एंकर नहीं है न्यूज़ एंकर इसमें से कौन नहीं है वो आपको बताना है तो थर्टी वन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी दैट इज संबित पात्रा बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई अगला क्वेश्चन दूरदर्शन के प्रतीक चिन्ह के साथ क्या शब्द लिखे हैं थर्टी का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है सत्यम शिवम सुंदरम एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है सही पकड़े हैं किस टीवी सीरियल के प्रसिद्ध संवाद हैं ये जो है भाभी जी घर पर है जो कि इसका आई थिंक जो एपिसोड चलता है एवरीडे कलर्स टीवी पे मेरे ख्याल से चलता है ये सॉरी एन टी वी ये जो है एन टी पे आता है अराउंड एट थर्टी या फिर नाइन थर्टी के आसपास में अगले क्वेश्चन ये कह रहा है जनगण मन की अधनायक के के प्रसोता कौन है इसमें से थर्टी फोर का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दैट इज़ विनोद दुआ जन्म मैंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ दिया असल में वो नहीं है कह रहे जनगण मन की बात के प्रस्तुता कौन है जनगण मन की बात ना कि जनमन अधिनायक अधिनयक so, सो यहाँ पे मैंने मेरे से मिस अंडरस्टैंडिंग हुआ था थर्टी फोर का करेक्ट आंसर मैंने बता दिया विनोद हुआ जो कि आज के टाइम में नहीं है अब आते अगले क्वेश्चन कह रहा भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है अभी के हिसाब से तो अभी के हिसाब से थर्टी फाइव का करेक्ट आंसर श्री रामनाथ कोविंद जी हैं एंड अब अगला क्वेश्चन पाते हैं कह रहे हैं थर्टी सिक्स चारू चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है इसका जो करेक्ट आंसर थर्टी सिक्स का वो बी है इज अनुप्रयास और अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्य में से सही वाक्य चुनिए सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है थर्टी सेवन का वो बी है दैट इज वे एक दूसरे से परस्पर ही उलझ पड़े अगला क्वेश्चन कह रहा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार टू थाउजेंड ट्वेंटी वन किसे दिया जाने किसे दिए जाने की घोषणा की गई है थर्टी एट का करेक्ट आंसर ऑप्शन है दैट इज रजनीकांत याब आते हैं अगले क्वेश्चन पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह सुमेलित है थर्टी uh, नाइन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दैट इज नेत्र नयन चच्छू अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिख निम्नलिखित वाक्य का कौन सा रूप शुद्ध है सो so, इसमें जो करेक्ट आंसर फोर्टी का वो ऑप्शन डी है दैट इज़ गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ सो so, इस तरीके से ये जो मैंने टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का सोल्व कर दिया है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत जल्द आपको लिंक अपडेट हो जाएगा लास्ट पाँच छः सालों का जो पेपर है अपलोड कर दी जाएगी अपडेटेड रहिए हाँ ऑनलाइन कोचिंग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करिए आपको फायदा होगा इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ थैंक यू